पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शहंशाह अकबर व उनकी बेगम तानसेन की बेगम की तबीयत बिगड़ने के कारण परेशान है और तानसेन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो उनसे भी बड़ा कलाकार बने। तानसेन की बेगम की तबीयत और बिगड़ जाने से परेशानी के आलम में तानसेन रियाज करने लगते हैं तो किसी केवट के गाने की आवाज उनके रंग में भंग डाल देती है। बादशाह अकबर को भी वो आवाज नागवार गुजरती है और बादशाह अकबर गाने वाले की गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। बैजू बावरा जो केवट से गीत सुन रहा था उसे जब तानसेन के गाने के समय दूसरों के गाने पर पाबंदी का पता चलता है तो वो बादशाह अकबर के दरबार में इस कानून के खिलाफ फरियाद करता है कि यदि तानसेन एकाग्रता से गाएं तो किसी दूसरे की आवाज उन्हें छू भी नहीं सकती। इस बात से बादशाह के हुक्म पर तानसेन और बैजू बावरा में गाने का मुकाबला रखा जाता है और अंत में बैजू अपनी दलील साबित करने में कामयाब हो जाता है। बैजू, मां बदले तुम्हारी इस बेनजीर मौसीकी से बहुत मुतासिर हुए। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बतौर गायक अपने दरबार में शामिल कर सकते हैं। इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जहांपनाह, किंतु मेरी एक तमन्ना है कि मैं अलग अलग प्रांतों में जाकर वहां के प्रचलित लोकगीतों और संगीत का अध्ययन कर सकूं। मेरी यह तमन्ना किसी एक जगह रुक जाने से कभी पूरी ना होगी। तुम में इल्मे मौसीकी हासिल करने का जो जज्बा है, मां बदौलत उसकी कदर करते हैं। इसलिए बैजू, जिंदगी में जब भी हमारी जरूरत पड़े तो बेखौफ होकर हमारे दरबार में आना, मां बदौलत तुम्हारा खैर मकदम करेंगे। और इसी के साथ आज की महफिल बर्खास्त करने का ऐलान किया जाए। माशाल्लाह, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है आपका लखते जिगर। मनो अल्लाह ताला ने मेहताब को जमीन पर उतार कर आपकी गोद में डाल दिया हो। अब बस भी करो बड़ी बी, कहीं इस नन्ही सी जान को नजर ही न लगा देना। अह बेगम साहिबा, बच्चों को माओं की नजर नहीं लगती। आपने इसे जन्म दिया है तो क्या हुआ, मैं भी तो इसकी माँ जैसी हूँ। बड़ी बी, अपना इस वक्त का ये कॉल जरूर याद रखना। शायद तुम्हें ही माँ बनकर इसकी परवरिश करनी पड़ेगी। खुदा ना करे ऐसा हो। आप भी बेगम साहिबा, ऐसी खुशी की घड़ी में कैसी मनहूस बातें कर रही हैं। क्या करूं बड़ी बी, हमारी तबीयत का तकाजा ही कुछ ऐसा है। खैर छोड़ो, क्या इसके वालिद को इसकी आमद की खबर दी है कि नहीं? खबर की क्या बात करती हैं बेगम साहिबा, इन साहबजादे की आमद का तो भरे दरबार में बकायदा ऐलान किया गया है और मियाँ जी तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे हैं। आजम खान,
आजम खान, कल सुबह हमारे इस बेटे का स्वागत पूरी तरह से होना चाहिए। हुजूर, आप सुबह होने तो दीजिए, फिर देखिए कैसा जश्न होता है। आखिर हम भी चचा जान है साहिबजादे के। क्यों नहीं, ऐसा करो कल सुबह दास दासियों और गरीबों में अशरफियां बांटी जाएं, और हाँ, ब्राह्मणों को गोदान किया जाए। जी मियाँ जी, ऐसा ही होगा। और हमारे पूरे जल महल को ध्वजाओं, पताकाओं और तोरणों से सुशोभित किया जाए। जी मियाँ जी। और हाँ, हमारे पूरे महल को चंदन, केसर और कस्तूरी की सुगंध से पोत दिया जाए। मियाँ जी, सब ठीक हो जाएगा, मगर जिसकी आमद पर ये सब कुछ हो रहा है, पहले उसका दीदार तो कर लीजिए। अरे हाँ हाँ आजम खान, लगता है कि हम दीवाने हो गए हैं। ऐसा करो, आज हमारा तानपुरा हमारे हरम में ही भिजवा दो। जी, तानपुरा और हरम में? हाँ, हमारी बेगम ने जो हमें उपहार दिया है, उसके एवज में आज हम अपनी बेगम के कमरे में, बेगम के सामने, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के लिए ही गाएंगे, अपनी बेगम के लिए गाएंगे। माशाल्लाह। मुबारक हो बेगम। ओहो, तो आप हैं वो महारथी, हा? जानते हैं आपके लिए आपके पिताजी ने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, हा? कितनी दुआएं की, कितनी मन्नतें मांगी। बेगम, आपकी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इतनी सांसें तो अता फरमाई कि आपको हम एक फनकार बेटा अता करने का खौल तो निभा सके। और बेटा भी लाखों में एक, कितना खूबसूरत है, हूबहू अपनी माँ की सूरत है। तो फिर मुझे एक कॉल दीजिए कि अगर वालिदा ने इसे अपनी सूरत देने में कोई कसर नहीं की, तो वालिद भी अपनी सीरत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो फिर आप ये वचन क्यों मांग रही हैं बेगम? ये तो हमारा खुद का सपना है कि एक दिन। फिर भी आप मुझसे वादा कीजिए, क्या आप बजाते खुद तालीम देकर इसे अपने जैसा ही फनकार बनाएंगे? हम ये वचन देते हैं बेगम कि हमारे जितना ही नहीं, बल्कि हमारे से भी बहुत बड़ा फनकार बनेगा। मियाँ जी। हाँ? शुक्रिया। आपका तानपुरा और यहाँ। बेगम, आपके इस उपहार के बदले हमारी ओर से यही भेंट है कि आज संगीत सम्राट शहनशाह मौसिकी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के लिए ही गाएंगे। तेरा बहुत मेरे इलाज़
इतनी खुशी मिली है कि दामन ही भर गया। परवरदिगार तेरी इनायत का शुक्रिया, इतनी खुशी दामन ही भर गया। दामन बेगम तानसेन रहलत फरमा गई। इन्नल लिल्लाहे वा इन्नल एराजियों। ए मेरे खुदा, बेगम तानसेन को जन्नत बख्श और मियां तानसेन को सब्र अता कर। आमीन आमीन आमीन। महाबली को अब तक आ जाना चाहिए था। बादब बामुलाइजा होशियार शहंशाहे हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महले सिरा में रौनकें अफरोज हो रहे हैं। आदाब। आपकी कैफियत बता रही है महाबली, शाहीन के इंतकाल का तानसेन को गहरा सदमा लगा है और शायद वो इस गम को सह भी नहीं पा रहे हैं। आप ठीक फरमा रही हैं महारानी। यूं भी फनकारों के दिल इतने नाजुक होते हैं कि उनमें बेगानों की मौत देखने या सुनने का हौसला नहीं होता, और फिर मरहूमा शाहीन उनकी शरीक हयात भी थी और उनकी मोहब्बत भी। शाहीन के इंतकाल से मियां तानसेन का जहनी तवाजुन कैसा होगा, ये तो बताते खुद मियां तानसेन ही बेहतर जान सकते हैं। और वो भी ऐसे नाजुक वक्त में, जबकि तानसेन मारे खुशियों के सारे आलम को अपने दामन में समेट लेने की फिराक में थे और कुदरत ने उन्हें जिंदगी की सबसे अहम खुशी से महरूम कर दिया। महारानी, मां बदौलत को इस बात का मलाल ता जिंदगी रहेगा कि जिन हाथों से बेगम तानसेन की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थीं, आज उन्हीं हाथों से उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भी करनी पड़ी। अल्लाह की मर्जी तो अल्लाह ही जान सकता है महाबली, हम आप तो उससे दुआ ही मांग सकते हैं। आप बजा फरमा रही हैं महारानी। अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो मियां तानसेन के दिल को एक फनकार के दिल के बजाय किसी सूरमा के दिल में तब्दील कर दे, वो दिल जो अपने किसी भी अजीज की मौत के सदमे को बासानी बर्दाश्त कर लेता है। सुनिए जी, क्या तानसेन जी हैं? हाँ है, कहिए। मैं उनसे मिल सकता हूँ? बेगम साहिबा के इंतकाल के बाद मियाँ जी ने किसी से भी मिलने से सख्त मना किया है। किंतु क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे क्षणों में एकांत उनके लिए ज्यादा हानिकारक होगा? मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी मियाँ जी के हुक्म के आगे सिवा मजबूर होने के मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मेरा संदेश तो पहुंचा सकती हैं,
कृपया उन्हें यह संदेश दे दें कि उनसे मिलने बैजू बावरा आया है। मुझे उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। क्या नाम बताया आपने? बैजू बावरा। बैजू बावरा। आजम खान, मियाँ जी ने उस परदेसी बैजू बावरा को अपने पास बुला लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बड़ी बी। हाँ। बेगम साहिबा के इंतकाल के बाद मियाँ जी किसी से भी कुछ गुफ्तगु तो करेंगे। हाँ आजम खान, वरना उनका यूं मायूसी में अपने आप को तन्हा सबसे अलग थलग कर लेना तो और भी जानलेवा हो जाता। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आने वाला परदेसी भी फनकार ही है। जैसे परिंदे ही परिंदों की बोली समझते हैं, वैसे ही फनकार के जज्बातों को समझ भी सकते हैं और एक दूसरे से अपनी जहनी कैफियत का खुलासा भी कर सकते हैं। विधि के इसी विधान पर तो आश्चर्य होता है बैजू। जीवन जैसी सुहावनी चीज सौगात में दी थी तो मृत्यु जैसी विकराल चीज की रचना करके उसे छीना ही क्यों? ताकि सुहावनी और विकराल चीजों के अंतर भेद को मनुष्य जान सके। यदि दुख ना होता तो सुख की अनुभूति भी ना होती और लगता कि जैसे सुख ही जीवन है, और यदि सुख ना होता तो दुख का भय ना रहता, फिर भी यही लगता कि जैसे दुख ही जीवन है। तुम ठीक कहते हो बैजू, लेकिन जब कोई अपना सदा सदा के लिए बिछुड़ता है तो विधि के इसी विधान पर मनुष्य को क्रोध भी तो आ जाता है। किंतु उसी क्रोध के दमन के लिए प्रकृति ने मनुष्य को संयम और सहन शक्ति भी दी है। यदि इन्हीं शक्तियों के बल पर इस क्रोध का दमन ना किया जाए तो यह क्रोध घुन बनकर भीतर ही भीतर मनुष्य को खाने लग जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यही घुन आपको भी अंदर ही अंदर खाने लग गया है। शायद इसीलिए आप भी एकांत प्रिय होते जा रहे हैं। क्योंकि एकांत में हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे शाहीन आज भी हमारे साथ हो। वो हमारी संगीत साधना में नहीं, हमारी संगीत रचना में भी ठीक वैसे ही प्रेरणा बन रही है जैसे बरसों पहले बनी थी। ये आप कब की बात कर रहे हैं? तब जबकि शाहीन से हमारी पहली बार भेंट हुई थी। पता नहीं बैजू, अब जबकि तुम हमें सांत्वना देने हेतु यहां आए हो, तुमसे इस प्रकार की बातें करना उचित भी है या नहीं? उचित है, बल्कि यही समय उचित है जब आप अपने अंतर मन को एक ही बार में खोल दें। आप चाहें तो मुझे सब कुछ बता सकते हैं। बताऊंगा बैजू, बताऊंगा। बैजू, तुम भी हमारी तरह एक संगीतकार हो और हमारे छोटे गुरु भाई भी हो। तुम्हारे समक्ष अपने मन की व्यथा नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? हाँ तो बैजनाथ, हम क्या कह रहे थे? आप अपनी पत्नी के विषय में बता रहे थे। हाँ, पत्नी तो वो केवल कहने भर को थी, क्योंकि हमसे उसका यही रिश्ता जगविदित था। क्योंकि शाहीन हमारे लिए केवल पत्नी ही नहीं, हमारी प्रेरणा थी, हमारी प्रेमिका थी। कभी कभी वो पत्नी के रूप में इतनी विनम्र हो जाती और कभी कभी मां के रूप में हम पर गुस्सा भी किया करती थी। एक आदर्श जीवन संगिनी के यही लक्षण होते हैं संगीत सम्राट, कि वो अच्छे बुरे समय में अपने जीवन साथी के लिए पथ प्रदर्शक सा व्यवहार करे। ऐसी सूझबूझ वाली स्त्री से आपकी भेंट हुई कहां? रीवा में, जहां बांधवगढ़ नरेश राजा रामचंद्र का राज था। सावधान, सावधान, बांधवगढ़ नरेश, बांधवेश, राजा श्री रामचंद्र जी राज दरबार में पधार रहे हैं। Thank you.
आदरणीय मंत्रीगणों, सभासदों तथा प्रजाजनों को हम श्रवण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भक्त एवं महान संगीताचार्य स्वामी हरिदास जी हमारे पास पधारे हैं। हम अपनी और अपनी प्रजा की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजन, तपस्वियों एवं कला प्रेमियों के लिए आपके मन में जो आदर भाव है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। इसलिए आप जैसे राजा का अतिथि बनना मेरे लिए भी गौरव की बात है। किंतु इस बार आपके यहां केवल मैं ही नहीं, मेरा एक परम शिष्य भी आया है। इसका नाम है तनसुख मकरंद पांडे। अपनी निरंतर संगीत साधना के कारण आज ये एक उच्च कोटि का संगीतज्ञ बन चुका है। स्वामी जी, इस समय भारतवर्ष में संगीत में आप सर्वोपरि हैं। आपके मुख से इस नौजवान के बारे में सुनकर हम इसके स्वर सुनने के लिए उत्सुक हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं राजन, आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना इसके लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके साथ ही हम बांधवगढ़ की राजनर्तकी शाहीन से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी नृत्य कला से तनसुख के स्वरों का साथ दे। परंतु राजन, दो कलाकारों को एक साथ कला का प्रदर्शन करने से पूर्व आपसी सामंजस्य बिठाना पड़ता है ताकि परस्पर तालमेल बना रहे। वैसे मेरा तनसुख अपने गायन से विचलित होने वाला नहीं है। तो फिर आप भी निश्चिंत रहिए स्वामी जी, क्योंकि हमारी राजनर्तकी के पैरों की थिरकन भी विचलित होने वाली नहीं है। मंगलयति मंगल